सो हाय दोस्तों, मेरा नाम है दित्या राज और आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। दोस्तों अगर आप लोग भी कोई कैमरा को यूज़ करते हो, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो, चाहे वो DSLR हो या फिर मिररलेस कैमरा हो, अगर दोस्तों आप एक कैमरा को यूज़ करते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो कि ये है दोस्तों कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप लोग अपने कैमरा को यूज़ करते हो नाइट कंडीशन में, तो यहाँ पर होता क्या है ना कि हमारे वीडियो के ऊपर ग्रेन्स काफ़ी आने लगते हैं। जैसे कि आपको टीवी में इफेक्ट आपको एक देखने को मिलता है, कुछ उस तरह से दोस्तों आपको अपना जो इफेक्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ लो लाइट में काफ़ी ज़्यादा होता है, चाहे आप अंधेरे में शूट कर रहे हो या फिर दोस्तों आप एकदम रात में अगर आप शूट करते हो, तब दोस्तों आपको ये जो दिक्कत है ये आपको देखने को मिलता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको 3 सॉल्यूशंस देने वाला हूँ, जिसके मदद से दोस्तों आप इस प्रॉब्लम को काफ़ी ज़्यादा ईजिली फिक्स कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको तभी आता है जब आपके कैमरा में जो ISO होता है वो ज़्यादा होता है। दोस्तों आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि जब दोस्तों यहाँ पे हम ऑटो मोड पे अपने कैमरों को यूज़ करते हैं, और ख़ासकर दोस्तों जब हम लो लाइट कंडीशन में अपने जो वीडियोस को शूट करते हैं, तो यहाँ पे होता क्या है कि हमारा जो ISO है वो ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप ISO को जितना ज़्यादा कम रखोगे ना, उतना कम ग्रेम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे आपका जो ISO है वो यहाँ पे 400 के नीचे है, तो दोस्तों आपको ग्रेन्स ना के बराबर आपको देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे आपका ISO 200 है या फिर उसके नीचे है, तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी यहाँ पे ग्रेन्स जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको ग्रेन्स वाला दिक्कत आ रहा है, तो आपको करना क्या है कि अपना जो ISO है उसको आपको यहाँ पे कम कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों ISO को जब यहाँ पे हम कम करते हैं ना, तो हमारे कैमरा के अंदर जो लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा कम आता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अंधेरा सा दिखता है। दोस्तों ये है हमारा दूसरा सोल्यूशन, ठीक है। अगर दोस्तों आप अपना जो ISO उसको कम कर देते हो, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लैक सा, डार्क सा आपका जो वीडियो या फिर फोटो है वो दिखने लगता है, दोस्तों आपको करना क्या है कि जो यहाँ पे फिजिकल लाइट होता है उसका आपको ब्राइटनेस बढ़ा देना है। मान लीजिए दोस्तों आप यहाँ पे सॉफ्ट बॉक्स को यूज़ कर रहे हो या फिर आप यहाँ पे रिंग लाइट को यूज़ कर रहे हो, दोस्तों आपको करना क्या है कि अपना जो ISO उसको आपको कम कर देना है, और यहाँ पे मैन्युअली आपका जो लाइट होता है उसको आपको काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा सोल्यूशन। अब दोस्तों यहाँ पे हम बढ़ते हैं हमारा आखिरी और तीसरे सॉल्यूशन की तरफ। ये दोस्तों ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है ना, ये किट लेंस वालों के साथ ज़्यादा आता है, क्योंकि दोस्तों किट लेंस के अंदर ना लाइट काफ़ी ज़्यादा एंटर नहीं होता है, काफ़ी कम लाइट जाता है, जिसकी वजह से हमें जो अपना ISO उसको यहाँ पे हमें बढ़ा के रखना पड़ता है। दोस्तों आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि अपना जो लेंस है उसको आप नया चेंज कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आप कोई भी प्राइम लेंस वगैरह को यूज़ करते हो, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों 50mm जो लेंस होता है उसके अंदर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पे ISO में भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस चले जाता है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे आप किट लेंस में और यहाँ पे अपने जो 50mm लेंस होता है उसमें, दोनों में ही अगर आप यहाँ पे सेम ISO को रखोगे, मान लीजिए यहाँ पे 200 ISO दोनों में सेम रखते हो, तो सो यहाँ पे आपको किट लेंस में ज़्यादा ब्राइटनेस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे किट लेंस में आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रेन्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और वहीं पे दोस्तों यहाँ पे हमारे 50mm के अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लाइट जाता है, लेकिन हमें ग्रेन्स देखने को नहीं मिलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है ना कि जितना ज़्यादा कम एपर्चर होता है उतना ज़्यादा लाइट आपके कैमरा के अंदर जाता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एपर्चर जो है ना वो ज़्यादा आपके कैमरा को, लेंस को ओपन करता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ। दोस्तों मान लीजिए ये एक लेंस है, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए ये अभी फिलहाल के लिए ये किट लेंस है, ठीक है। तो दोस्तों इसका होल आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा छोटा सा होता है, बड़ा नहीं होता है, जिस वजह से लाइट काफ़ी ज़्यादा कम जाता है। लेकिन दोस्तों वहीं पर मान लीजिए ये एक 50mm लेंस, दोस्तों उसका जो लेंस का जो यहाँ पे होल होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, यानी कि एपर्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा आप कम एपर्चर तक आप जा सकते हो, 1.8, 1.2, 1.4 तक, ठीक है। दोस्तों जितना ज़्यादा कम रखोगे उतना ज़्यादा ब्राइटनेस आपके कैमरा के अंदर जाएगा, और ISO को आपको ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों ये ट्रिक भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, अगर आपका जो फर्स्ट और सेकेंड मेटर काम नहीं करता है, तो दोस्तों आप अपना जो लेंस है उसको आपको ज़रूर से यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है। सो दोस्तों आई होप आप सभी को आज का जो वीडियो था ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और मैं मिलता हूं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।